नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे किडनी फेलियर का पेशेंट अपनी बॉडी में कितना प्रोटीन लॉस हो रहा है उसको टेस्ट कर सकता है घर पे। एक किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर जो सबसे पहला साइन आता है, जो उसको बताता है कि उसकी किडनी फेल हो रही है, वो है प्रोटीन लॉस। सभी पेशेंट के लिए प्रोटीन लॉस एक गंभीर समस्या नहीं होती है, मगर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं किडनी फेलियर के, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले, उनके लिए प्रोटीन लॉस एक बड़ी गंभीर समस्या होती है क्योंकि शरीर में से प्रोटीन बार बार बाहर जा रहा होता है और ये बाहर जाता हुआ प्रोटीन पेशेंट को वीक कर देता है, अंडरवेट कर देता है, मांसपेशियाँ ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत, चलने में दिक्कत। तो ये सारी दिक्कत पेशेंट को प्रोटीन लॉस की वजह से हो रही है। क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा नहीं होता, 1.2 तक मिल सकता है, 3 तक मिल सकता है। क्रिएटिनिन का लेवल कम होने के बावजूद भी पेशेंट के अंदर प्रोटीन लॉस की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही होती है। या फिर किसी भी किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर अगर ये दिक्कतें नहीं भी आ रही तो प्रोटीन लॉस की मात्रा पेशेंट को किडनी के अंदर हो रहे नुकसान के बारे में एक बहुत अच्छा आइडिया दे देता है। अगर एक किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर प्रोटीन लॉस रुक जाता है तो ये माना जाता है कि पेशेंट की कंडीशन स्टैटिक हो गई है, पेशेंट की जो किडनी लेवल है अब नहीं बढ़ेंगे, पेशेंट की कंडीशन जो ट्रीटमेंट ले रहा है बहुत अच्छा ले रहा है। तो इसको जज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नॉर्मली हम पेशेंट्स को साइंस इंजीनियरिंग में क्या कहते हैं कि आप अपनी झाग पर ध्यान रखो, अगर आपको यूरिन में झाग कम होती जा रही है तो एक वो बहुत अच्छा साइन होता है कि प्रोटीन का लॉस किडनी के अंदर कम होना शुरू है, किडनी ने प्रोटीन को फिल्टर करना शुरू कर दिया है, बॉडी के अंदर रखना शुरू कर दिया है, जो एक बहुत अच्छा बहुत पॉजिटिव साइन होता है। मगर पेशेंट को क्वांटिटी के बारे में नहीं पता लगता कि क्वांटिटी कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है, तो अक्सर पेशेंट को महीने में एक बार हम यूरिन टेस्ट के लिए बोलते हैं। मगर ये जो यूरिन के अंदर प्रोटीन का टेस्ट है ये बहुत सिंपल टेस्ट है, इस टेस्ट को आप घर पे आराम से कर सकते हो। ये स्टेप्स आती हैं प्रोटीन को टेस्ट करने की, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये स्ट्रिप्स का बॉक्स है, ये इसको टेस्ट को हम कहते हैं यूरिन रिएजेंट स्ट्रिप्स फॉर यूरिनलाइसिस। इस यूरिन टेस्ट को हम डिपस्टिक टेस्ट भी कहते हैं। इसमें आपने कुछ नहीं करना होता, इसमें बहुत सारी स्ट्रिप्स होती हैं। इस स्ट्रिप्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर दो पेपर नज़र आएंगे, एक ग्रीन वाला और एक येलो वाला। ये जो ग्रीन और ब्लूइश जो पेपर है ये हमें बताता है कि यूरिन में कितना ग्लूकोज है, कि अगर पेशेंट डायबिटिक है यूरिन में ग्लूकोज लीक हो रहा है तो वो ये स्ट्रिप बताएगी, और जो प्रोटीन बताती है वो येलो वाली स्ट्रिप बताती है। अब आप इसको ध्यान से देखो, अगर हम इस स्ट्रिप को यूरिन में डिप करते हैं, यूरिन में डिप किया आपने और ये अपना कलर चेंज करना शुरू करती है, आप देख सकते हैं अगर येलो वाला ग्रीन ब्लू की तरफ जाएगा तो उतना ज़्यादा प्रोटीन आपकी यूरिन में आ रहा है। तो और अगर ये ब्लू वाला जितना ब्राउन के साइड जाएगा उतना ज़्यादा ग्लूकोज आ रहा है। तो हम ग्लूकोज और प्रोटीन दोनों को चेक कर सकते हैं इन स्ट्रिप के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिप को यूरिन में बस एक बार डिप करेंगे और 60 सेकेंड वेट करेंगे। 60 सेकेंड लगते हैं इस टेस्ट को आने में। अगर 60 सेकेंड के अंदर इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मैच कर लेंगे कलर कौन सा आ रहा है, और जो कलर आएगा उससे हमें रेफरेंस मिल जाती है कि कितना प्रोटीन कितना ग्लूकोज आपके यूरिन से लीक हो रहा है। और अगर आप इसको हफ्ते के हफ्ते करते रहते हैं और आपको लगता है कि आपका जो प्रोटीन लॉस है कम हो रहा है, ग्लूकोज लेवल कम डाउन हो रहे हैं, दैट मींस कि जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, जो ट्रीटमेंट आप साइंस इंजीनियरिंग का ले रहे हैं वो बहुत अच्छा है। ये जो प्रोटीन लॉस कम होता है ये इस वजह से हो रहा होता है कि किडनी पे अब किसी टाइप का एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि जो किडनी होती है वो छन्नी की तरह काम कर रही होती है। अगर आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर हाई है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो भी प्रोटीन लॉस ज़्यादा होना शुरू होता है, क्योंकि प्रेशर की वजह से प्रोटीन किडनी उसे रोक नहीं पाती, उसे हैंडल नहीं कर पाती और वो नीचे से निकल जाता है। तो अगर हम चाहते हैं किसी पेशेंट के अंदर प्रोटीन लॉस कम कर सकें तो सबसे पहले हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है किडनी फेलियर के कॉसेस के ऊपर, कारण के ऊपर, क्योंकि किडनी फेल होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण देखा जाता है मोस्ट ऑफ द पेशेंट के अंदर वो होता है बढ़ा हुआ बीपी। कि पेशेंट का जो बीपी था वो कई सालों से बढ़ा रहता था, ध्यान नहीं दिया, मेडिसिन लेते रहे, कंट्रोल में नहीं आया, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, दिक्कत कोई नहीं हो रही थी उनको, मगर ये जो दिक्कत उनको नहीं होती थी, उनको महसूस नहीं होती थी, ये जो दिक्कत महसूस होती थी किडनी को। जब ब्लड आपका किडनी के अंदर प्रेशर से जाता है तो क्या करता है कि प्रेशर से जाने की वजह से वो किडनी के अंदर जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं जो खून को साफ करती हैं उन पर वो प्रेशर से चोट करता है। अब बार बार एक ही जगह पे चोट होती रहेंगी तो सेल्स जो होते हैं वो मॉडिफाई करना शुरू कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं हम तो सह नहीं कर पा रहे, हम एक काम करते हैं अपने आपको थोड़ा सॉलिड बना लेते हैं, मजबूत बना लेते हैं, तो वो थोड़े से
हार्ड हो जाते हैं। अब जब सेल्स हार्ड हो गए तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है कि वो पहले जितना अच्छा काम करते थे अब नहीं कर पाते, एक्सचेंज नहीं कर पाते, अपना टॉक्सिक मटेरियल को फिल्टर नहीं कर पा रहे होते और वो स्कार टिश्यू की तरह बनने शुरू हो जाते हैं। स्कार और श्रिंकेज आपको देखने को मिलती है कि किडनी का साइज श्रिंक होना शुरू हो गया। तो अगर कोई भी डॉक्टर चाहता है किसी भी पेशेंट किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर उसका ट्रीटमेंट करना, तो पहली अप्रोच तो यही होती है कि जो नुकसान हो गया है उसको वहीं रोक दो, आगे ना बढ़े। इसके लिए पहला काम क्या है कि जो किडनी फेलियर की कॉजेज हैं, चाहे वो बीपी है चाहे वो शुगर है, उसे कंट्रोल में लेकर आना। एक बार बीपी और शुगर आपका सही तरीके से कंट्रोल में आ जाता है, लेवल में आ जाता है, तो थियोरेटिकली हम क्या सोचते हैं कि ये दिक्कत अब आगे नहीं बढ़ेंगी, ये जो लेवल्स आपकी हैं क्रिएटिनिन की यूरिया की यहीं पर स्टेबल हो जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ होती है। उसके बाद किडनी की अपनी क्षमता होती है, किडनी अपनी फंक्शनिंग को बूस्ट कर सकती है। अब आप समझो कि आपके पास आपने किडनी किसी और को दी या किसी किडनी आपने ली, आपके पास एक किडनी हो गई, अब वो सिंगल किडनी आपके सारी बॉडी के फंक्शन को संभाल लेती है। वो इसलिए संभाल लेती है क्योंकि किडनी अपने काम को बढ़ा सकती है, वो सिंगल किडनी भी पूरी दोनों किडनी को काम कर लेती है। तो हम किडनी की यही खासियत को इस्तेमाल करते हैं साइंस इंजीनियरिंग में। और जैसे ही किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट किसी किडनी की फेलियर के पेशेंट को दिया जाता है, ना सिर्फ पेशेंट की बीपी कंट्रोल में आती है, शुगर कंट्रोल में आता है, बल्कि पेशेंट की जो किडनी बूस्ट होने की वजह से क्रिएटिनिन डाउन, यूरिया डाउन, जो स्वेलिंग है वो चली जाती है। और इन टॉक्सिक मटेरियल के बॉडी से बाहर जाने पर जो सिम्टम बॉडी के अंदर आ रहे होते हैं, थकावट होना, नींद आना, नींद ज़्यादा आना, घबराहट होना, ये सारी डिसअपीयर करना शुरू कर देती है। और यही तो ट्रीटमेंट का मकसद था कि पेशेंट की बॉडी सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे, पेशेंट की बॉडी में जितना भी टॉक्सिक मटेरियल है वो बाहर जाना शुरू कर दे, और जैसे वो बाहर जाएगा सिम्टम सारे डिसअपीयर कर जाएंगे। तो किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट को घबराने की ज़रूरत नहीं होती, पेशेंट को चाहिए होती सही नॉलेज और सही गाइडेंस। अगर पेशेंट को सही गाइडेंस बताओ कि उसने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कैसे रहना है, किस चीज़ करने से पेशेंट को क्या फ़ायदा मिलेगा, तो पेशेंट अपनी कंडीशन को बहुत अच्छा स्टेबल कर सकता है। क्योंकि किडनी फेलियर के पेशेंट में क्या पाया जाता है कि पेशेंट नेफ्रोलॉजिस्ट के पास कई कई सालों से ट्रीटमेंट ले रहा होता है, मगर जो लेवल्स होते हैं क्रिएटिनिन के वो रुकने का नाम नहीं लेते, वो 2, 3, 4, 5 बढ़ते जा रहे हैं, जबकि पेशेंट मेडिसिन ले रहा है। तो अगर हम सिर्फ पेशेंट की कंडीशन को यहीं पे स्टेबल कर दें तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर एलोपैथिक मेडिसिन इसलिए कामयाब नहीं होती क्योंकि अगर आप अपना प्रिस्क्रिप्शन निकालो कि आप क्या मेडिसिन खा रहे हो, किस वजह से खा रहे हो, तो आपको सिर्फ बीपी की मेडिसिन, शुगर की मेडिसिन, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन, कैल्शियम, विटामिन डी सब कुछ मिल जाएगा, मगर आपको कोई ऐसी मेडिसिन नहीं मिलती जो आपकी किडनी की फंक्शनिंग के लिए, किडनी की फंक्शनिंग को बूस्ट करने के लिए बनी हो। और उसका नुकसान उठाना पड़ता है किडनी फेलियर के पेशेंट को कि पेशेंट के जो लेवल्स बढ़ने शुरू होते हैं वो कभी रुकने में नहीं आते, और अक्सर डॉक्टर आपको कहते मिल जाते हैं कि एक बार दिक्कत शुरू हो जाएगी तो ये रुक नहीं पाती, आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, मगर ऐसा नहीं है। किडनी फेलियर का पेशेंट सही डाइट से, सही तरीके से खाना पीना बदल कर, सही मेडिसिन से, किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट की मदद से अपने लेवल्स को बहुत इजीली कंट्रोल कर सकता है, किडनी की फंक्शनिंग को मेंटेन करते हुए बूस्ट कर सकता है कि उसके लेवल, क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल विद इन अ रेंज नॉर्मल होने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए पेशेंट को कुछ नहीं करना होता, मैक्सिमम नॉलेज लेनी होती है अपनी बीमारी के बारे में कि क्या बीमारी है, किस वजह से है। इसके लिए साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर्स उनकी मदद करते हैं। कोई भी जानकारी लेनी हो अपने किडनी फेलियर के बारे में तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर्स से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। आप हमारी साइट saikidney.com पर जाकर भी फर्दर इन्फॉर्मेशन इस बीमारी के बारे में ले सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से चलने के आगे चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।